नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। सुखा दुनिका सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। तिहाड़ जेल में खूनी गैंग वॉर हो गई। हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से भारत आ गया। ये तमाम क्राइम की घटनाएं लोगों के होश उड़ा देती है और इन अपराधों को अंजाम देता है एक शख्स जो इस देश में रहता ही नहीं, सिर्फ ईमेल या पोस्ट करके अपने किए जुर्मों को शान से बताता है कि ये मैंने किया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत सरकार विवाद में उलझे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडा में ही बैठे कुख्यात बदमाश सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की भी हत्या कर दी गई। बता दें कि सुखा कनाडा में बैठे आतंकवादियों और गैंगस्टर की NIA की लिस्ट में शामिल था। सुखा की हत्या में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है। एक नामी गैंग ने सुखा की मौत की जिम्मेदारी ली है। कनाडा में मारे गए बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर सुखा दुनेका के कत्ल की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बता दें कि इस गैंग का नाम ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आया था। गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई नाम के अकाउंट से एक पोस्ट भी साझा किया गया। इस फेसबुक पोस्ट में कहा गया, हां जी सत श्री अकाल, राम राम, ये सुखा दुनेके के बम्बीहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनीपेगा सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों के लिए उसने बहुत से घर उजाड़े थे। अपराध की दुनिया में जाने से पहले सुखा मोगा के DC ऑफिस में काम करता था। भारत में उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले लंबित थे जो स्थानीय गैंग की एक्टिविटी से जुड़े हैं। इसके अलावा सुखा अपने अपराधों के चलते काफी समय तक फरीदकोट जेल में भी बंद रहा। बड़ी मुश्किल से उसे जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर निकलते ही उसने जाली पासपोर्ट बनवाया और कनाडा भाग गया। बता दें सुखा दुनेके का नाम NIA द्वारा जारी किए गए 41 आतंकी और गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल था। साल 2017 में सुखा दुनेके जाली पासपोर्ट तैयार करवा पंजाब से कनाडा फरार हो गया था। गैंगस्टर सुखा को खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। सुखा कनाडा में बैठे बैठे भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी वसूलने का काम किया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गैंगलैंड में सुखा दुनेके पर करीब 15 राउंड फायरिंग की गई है। इस हमले में सुखा दुनेके की मौके पर ही मौत हो गई। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में सुखा दुनेके की हत्या दूसरी बड़ी वारदात है। कनाडा में सुखा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उसने लिखा कि बम्बीहा ग्रुप का इंचार्ज सुखा दुनेके का कनाडा के विनीपेग सिटी में मर्डर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।